हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका टीम्स फॉर विन के यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप आप सब काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं साउथहैम्पटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में जो आज का हम फर्स्ट मैच कवर करने जा रहे हैं। सो इसके हम बात करेंगे एंड आज है वीकेंड, सो काफ़ी अच्छे जो है मैचेस आज देखने को मिलेंगे। बाकी आगे मैचेस की वीडियोज आएंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल नोटिफिकेशन जो है प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। एंड आगे जो है मैं एक बार आपको बता भी दूँ कि लाइक जुवेंटस की एक आने वाली है एंड रियल मैड्रिड की भी एक अच्छी वीडियो आने वाली है। बाकी उसके अलावा और अगर मैचेस मेरे को काफ़ी सही लगेंगे ना उनकी वीडियो जो मैं जरूर से अपलोड कर दूंगा। सो इसलिए सब्सक्राइब कर करके ना बेल नोटिफिकेशन। बाकी इस मैच के रिलेटेड अपडेट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स एंड ऑल जो है मिल जाएगी। उसका मैं आगे एक बार आपको भी बता भी दूंगा, बाकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही एंड सर्च करके भी आप जो ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं सीधा प्रीव्यू पर। प्रीव्यू में आपको वही जो है नॉर्मली स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग वाले पिक्स में बताने वाला हूँ। पूरा एक प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ जो है प्लेयर्स के स्टैट्स है, क्या कुछ लाइनअप रहने वाली है एंड क्या उनका रिसेंट फॉर्म के ऊपर जो आप कंसीडर कर सकते हो। सो अब चलते हैं सीधा एक बार प्रीव्यू के ऊपर। सो मैच जो है इधर से वो है साउथहैम्पटन वर्सेस यूनाइटेड के बीच में एंड दोनों टीम्स को देखकर लाइक आपको पता तो चल गया हो कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं पता चला है देन वो भी एक बार आपको आगे पता चलेगा। अगर नहीं चला है तो प्रीमियर लीग की है। बाकी 6:30 रहेगी इस मैच की ऑनलाइन। वेन्यू है सेंट मैरी स्टेडियम साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। साउथहैम्पटन का होने वाला है होम ग्राउंड एंड यूनाइटेड जो है आज के लिए अवे टीम है। बाकी लास्ट सीजन के स्टैंडिंग्स की एक बार बात कर लेते हैं तो पिछले सीजन जो है वो साउथहैम्पटन 15th प्लेस पर थी प्रीमियर लीग में, वहीं पर जो यूनाइटेड है वो 2nd प्लेस पर थी प्रीमियर लीग में। जस्ट एक लाइक मिस किया था उन्होंने, सिटी जो थी 1st पर थी प्रीमियर लाइक एंड यूनाइटेड 2nd पर रह गई थी। साउथहैम्पटन का थोड़ा सा सीजन खराब गया था 15th पर थे। उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं इस बार अपने जो स्क्वाड में आप लाइनअप में बोल सकते हो। सो वो देखने रहेंगे कैसे कुछ उनके चेंजेस जो है काम आते हैं। बाकी लास्ट मैच की बात करूँ तो साउथहैम्पटन ने अगेंस्ट एवर्टन अपना जो मैच खेला है प्रीमियर लीग का फर्स्ट, जो वो हार गए थे, एक ही गोल वो कर पाए थे, 3-1 से हारे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग का वो आया था गोल, उसके पहले उन्होंने क्लब फ्रेंडली खेला था एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट में, वो भी वो 3-1 से हारे थे एंड उसमें एक गोल आया था थियो वॉलकॉट का। उसके अलावा बात करो यूनाइटेड की देन उन्होंने काफ़ी अच्छी जो शुरुआत की है, उन्होंने अपना जो प्रीमियर लीग का फर्स्ट मैच खेला वो खेला प्रीमियर लीग के सॉरी लीड्स के अगेंस्ट में एंड 5-1 से उस मैच को विन किया, जिसमें पहले ही मैच में ब्रूनो फर्नांडिस ने दिखा दिया कि वो लाइक इस बार रेड हॉट फॉर्म में है। 3 गोल उन्होंने पहले ही मैच में किया, हैट्रिक मारी, उसके अलावा ग्रीनवुड एंड एक गोल आया था फ्रेड का। देन उन्होंने जो एक क्लब फ्रेंडली भी जीता था अगेंस्ट एवर्टन, ग्रीनवुड मैगवायर फर्नांडिस एंड दलोत के जो है उसमें गोल्स आए थे। बट हमारे लिए लाइक मैटर करते हैं प्रीमियर लीग शुरू हो चुके तो प्रीमियर लीग के क्या कुछ मैचेस हैं। सो 5-1 से यूनाइटेड ने तो काफ़ी अच्छी शुरुआत की, बट साउथहैम्पटन की उतनी अच्छी शुरुआत जो रही नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता ही रहा था, सभी अपडेट्स एंड लाइनअप्स के लिए वहाँ जा सकते हो। आपको लाइक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सर्च करके भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करना मत भूलना, काफ़ी क्रिकेट की जो न्यूज़ वगैरह है आईपीएल के रिलेटेड या वर्ल्ड कप के रिलेटेड वो आपको वहाँ पर देखने को मिलते रहेगी। सो फटाफट से जाके वहाँ पर ही फॉलो कर लेना। बाकी सर्च करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल सर्च करके कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सो सर्च करके कैसे ज्वाइन करना है, आपको सर्च करना है टीम्स फॉर विन। सीधा सर्च आप करोगे टीम्स फॉर विन तो आपको जो है चैनल इधर से मिल जाएगा कुछ इस तरीके से जो आएगा पूरा। एंड फर्स्ट नंबर पर जो चैनल है वो आपको जाके वहाँ पर देखना है एंड वहाँ पर आपको जो है मेन चैनल का लिंक मिलेगा, यहाँ से आपको मेन चैनल ज्वाइन करना है। बास्केटबॉल का भी एक अलग चैनल है, जाके आप देख सकते हो। बाकी एक सेकंड चैनल भी है अगर आप जाना चाहो तो। उसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, मे बी अगर आप सर्च करके फॉलो लाइक किसी गलत पर्सन को फॉलो कर लो, सो इंस्टाग्राम का लिंक भी है यहाँ पर, यहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा ट्विटर का लिंक भी है। सो दोनों ही पर आपको काफ़ी क्रिएट की न्यूज़ और नॉलेज है वो आपको मिलते रहेगी, न्यूज़ वगैरह मिलेगी, फैक्ट्स वगैरह भी है। सो जाके जरूर से चेकआउट करना। बाकी अब चलते हैं वापस अपने प्रीव्यू के देन जाते हैं अपना लाइनअप्स के ऊपर। तो ये है 2021 के स्टैट्स है सभी कॉम्पिटिशन के। साउथहैम्पटन की बात करूँ, मैकार्थी जो है वो लास्ट सीजन 31 मैचेस खेले थे, ये रहेंगे गोलकीपिंग में। उसके अलावा डिफेंस में वोक पीटर्स, बेटनारेक, सालिसू एंड पेरोड आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने नई साइनिंग की है पेरोड की, जो आए हैं स्टैट ब्रेस्टोइस की तरफ से, वहाँ पर उनके 3 गोल एंड 7 असिस्ट है। सो डेफिनेटली काफ़ी सही प्लेयर है, देखते हैं लाइक प्रीमियर लीग में कैसा कुछ कर पाते हैं। उसके अलावा मिडफील्ड सेक्शन में आपको आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, वार्ड प्राउस है, रोमेओ है एंड डेजन को आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। सो ये कुछ जो है आज के लिए मिडफील्ड रह सकती है, जिसमें आई थिंक कि वार्ड प्राउस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, लास्ट सीजन 9 गोल 7 असिस्ट है। उसके अलावा स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग है 5 गोल 6 असिस्ट के साथ में। देन रोमेओ एंड डेजन को थोड़ा सा लाइक लेस प्रेफरेंस आप दे सकते हो इनको, क्योंकि लाइक
आई थिंक कि 4 से 5 प्लेयर ही आपको साउथम्पटन की तरफ से पिक करने चाहिए। अगर ज़्यादा करो ग्रैंडली की टीम में आप ज़्यादा करोगे डेफिनेटली, देन उस केस में आप रोमियो के साथ में जा सकते हो एंड काफ़ी सही प्लेयर वो निकल के आ जाते हैं। बाकी बात करूँ मैं इधर सेंटर फोर्ड पोजिशन में, तो एडम्स आर्मस्ट्रॉन्ग है एंड देन एक रहेंगे एडम्स, सो दोनों अलग अलग है एंड ये आर्मस्ट्रॉन्ग भी अलग है, सो ध्यान में रखना इस चीज़ को। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो है ब्लैकबर्न रोवर्स की तरफ से, वहाँ पर उनके 29 गोल एंड 5 असिस्ट है। यहाँ पर देखते हैं साउथम्पटन की तरफ से कैसा कुछ परफॉर्मेंस कर पाते, हालांकि फर्स्ट मैच में ज़्यादा नहीं रहा। बाकी उसके अलावा एडम्स जिनके लास्ट सीजन 9 गोल 5 असिस्ट थे, एडम्स आर्मस्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो इधर से अगर इंजरी न्यूज़ की भी एक बार देख लेते हैं, स्मॉल बोन आउट है वो नहीं खेलेंगे, मैकविन भी जो है नहीं खेलने वाले। पेनल्टीज़ की बात करूँ तो वार्ड प्राउस पहले डैनी इंग्स थे बट अब डैनी इंग्स नहीं है, देन पेनल्टीज आई थिंक इधर से वार्ड प्राउस लेने वाले एंड फ्री किक्स वगैरह भी जो है वही लेंगे। इधर से की प्लेयर्स की बात कर लूँ साउथम्पटन की तरफ से पूरा, देन आई थिंक कि एडम आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं दोनों ही, बट दोनों में से किसी एक के साथ में जाना क्योंकि मेरे को लगता है लाइक 2 से 3 गोल साउथम्पटन करने वाली है, मोस्टली एक ही गोल में भी देखने को मिले इनकी तरफ से। सो दोनों को लेके कोई फ़ायदा नहीं है, सो एक पर तो रिस्क लेना पड़ेगा। सो आई थिंक कि एडम आर्मस्ट्रॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके अलावा जेम्स वार्ड प्राउस एक मस्ट पिक है, उसके अलावा स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग एक अच्छे पिक बनते हैं एंड डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो वेडनर एक काफ़ी सही पिक निकल कर आ जाते हैं जो आपको टैकल्स वगैरह के काफ़ी सही पॉइंट दे सकते हैं एंड एक आप जा सकते हो इनके गोलकीपर के साथ में क्योंकि उन्हीं के चांसेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। सो इसी वजह से मैकार्थी को आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी अदर प्लेयर सेट पे कुछ खास है नहीं। यूनाइटेड की तरफ से मैं बात करूँ डीगी जो है गोलकीपिंग करने वाले हैं, उसके अलावा डिफेंस में आपको वान बेसिका, लिंडलोफ, मैग्वायर एंड शो जो है आपको देखने को मिलेंगे। देन आ जाते हैं अपना मिडफील्ड के ऊपर, तो डिफेंसिव मिडफील्ड में फ्रेड एंड मैकटोनी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करूँ मैं अटैकिंग मिडफील्ड में सांचो, फर्नांडीज एंड पोगबा जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देन आ जाते हैं सेंटर फोर्ड पोजिशन पर, तो इधर से ग्रीनवुड आपको देखने को मिलेंगे। सो बाकी लास्ट टाइम मार्शल खेले थे, आई थिंक ये मार्शल थे या नहीं थे जहाँ तक मेरे को ध्यान वो है नहीं, बाकी फिर भी अगर खेलेंगे तो ठीक ठाक पिक बनेंगे, उसके अलावा इग्नोर आप कर सकते हो। प्लेयर्स इंजरी न्यूज़, रशफोर्ड नहीं खेलने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते अगर खेलते तो। उसके अलावा टेलेस नहीं है, हैंडरसन, कवानी एंड जोन्स जो है वो डाउटफुल है। बाकी इधर से हम बात करें देन सांचो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं यूनाइटेड की टीम में, देन और भी ज़्यादा लाइक अच्छा परफॉर्म ये कर सकते हैं। लास्ट टाइम थे डॉर्टमुंड की टीम में, वहाँ पर 16 गोल्स एंड 20 असिस्ट थे। उसके अलावा फर्नांडीज लास्ट सीजन 28 गोल 17 असिस्ट थे, बट इस सीज़न भी इन्होंने लाइक अपना पहला ही मैच में दिखा दिया कि क्या कुछ कर सकते हैं। पहले ही मैच में हैट्रिक इन्होंने कर दी थी गोल्स की, सो 3 गोल इस सीज़न में भी है। उसके अलावा पोगबा लाइक फर्स्ट मैच इन्होंने कितने असिस्ट किए, 5 गोल में से आई थिंक 4 असिस्ट जो है वो पोगबा की तरफ से आए थे, अब 4 या आई थिंक 3 असिस्ट जो पोगबा की तरफ से आए। सो डेफिनेटली पोगबा, फर्नांडीज, सांचो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ग्रीनवुड भी साउथम्पटन सामने टीम है, सो ग्रीनवुड को मैं पिक करूंगा, मे बी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो फिर इनके ऊपर। उसके अलावा डिफेंस में से आप वन बेसिका, लिंडलोफ, शो के साथ में जा सकते हो एंड मैग्वायर भी काफ़ी ठीक है, बट अगर तीन लेना चाहो देन आई थिंक कि इधर से वन बेसिका, मैग्वायर एंड शो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके अलावा डीगी गोलकीपिंग ग्रैंडली की टीम में प्रेफर कर लेना, स्मोली की टीम में आप मैकार्थी के साथ में ही जा सकते हो। पेनल्टीज़ जो है वो ब्रूनो फर्नांडीज लेंगे, फ्री किक्स भी जो है ब्रूनो फर्नांडीज ही पिक करने वाले। बाकी रिसेंट फॉर्म की बात करें, पिछले 5 मैचेस में साउथम्पटन 3 विन है, 2 हारे हैं, वहीं पर यूनाइटेड की बात करें पिछले 5 मैच में उन्होंने भी 3 विन किए हैं, 1 ड्रॉ 1 हारे हैं, बट रिसेंट फॉर्म से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जब आप प्रीमियर लीग की शुरुआत कैसी कर रहे हो आई थिंक ये वो ज़्यादा मैटर करता है, जो कि यूनाइटेड काफ़ी अच्छी की है, साउथम्पटन की थोड़ी सी खराब हुई है। ओवरऑल हेडवर्ड की बात करूं तो 17 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं, जिसमें से 2 जीते साउथम्पटन, 8 जीते यूनाइटेड, 7 रहे ड्रॉ। सो ड्रॉ एंड यूनाइटेड ज़्यादा फेवर में रहा है, साउथम्पटन काफ़ी कमी मैचेस जीती है यूनाइटेड के अगेंस्ट में। बात करूं होम ग्राउंड की, तो जब जब साउथम्पटन के होम ग्राउंड में मैच हुआ है यहाँ पर साउथम्पटन आज तक विन नहीं कर पाई है, 8 टोटल मैचेस में से 4 ड्रॉ रहे हैं एंड 4 जीते हैं यूनाइटेड ने। बाकी रिसेंट हेडवर्ड मैचेस की भी एक बार बात कर लेते हैं, देन पिछले 5 मैचेस में अब तक 3 बार यूनाइटेड ने विन किया है एंड जिसमें से रिसेंट जो 2 मैचेस हुए नवंबर 20 में एंड फरवरी 21 में, वो दोनों भी यूनाइटेड ने ही विन किया है 3-2 से एंड 9-0 से। उसके अलावा 2 रहे हैं ड्रॉ मैचेस 19 एंड 20 वाले सीजन में, 1-1 से ड्रॉ रहा था, 1 रहा था 2-2 से ड्रॉ। उसके अलावा उससे पहले विन किया था यूनाइटेड ने। सो अब तक तो लाइक 5 मैचेस में यूनाइटेड 3-0 से आगे हैं एंड 2 रहे हैं ड्रॉ। सो आई थिंक कि यूनाइटेड आज का मैच काफ़ी अच्छे तरीके से विन कर सकती है एंड आई थिंक कि क्लीन शीट से भी विन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो डिफेंस है यूनाइटेड का, आई थिंक कि 2-0 या फिर 1-3 अच्छा स्कोर आज के लिए हो सकता है। जिस तरीके से यूनाइटेड फॉर्म में, उस तरीके से मैं बोल सकता हूँ हाई गोल स्कोरिंग मैच जरूर से देखने को मिल सकता है। सो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो
2-0 या फिर 3-0 के करीब जो हो सकते हैं। एंड अगर एक गोल आप एक्सपेक्ट करते भी हो कि लाइक साउथहैम्प्टन एक गोल कर सकते हैं, देन आई थिंक कि वो एडम आर्मस्ट्रांग या फिर वार्ड प्राउस की तरफ से देखने को मिल सकता है। बाकी स्मॉली के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली ब्रूनो फर्नांडिस, पोगबा, ग्रीनवुड काफ़ी अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन बनते हैं। रिस्क ले सकते हो तो आप इधर से एडम आर्मस्ट्रांग को या फिर वार्ड प्राउस को जो है ट्राई कर सकते हो, बट ग्रैंड लीग में आप एडम आर्मस्ट्रांग एंड वार्ड प्राउस को जरूर से ट्राई करना। एंड बात करूँ मैं इधर से, देन पोगबा को आप एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बाकी आप चलते अपनी स्मॉली की टीम के ऊपर। सो ये रह सकते हैं टीम जिसमें से रिस्क जरूर से मैंने लिया हुआ है। इधर से मैकार्थी को पिक किया है, चार डिफेंडर है, उसके बाद में रोमे है, वार्ड प्राउज है, एडम्स है, ग्रीनवुड, फर्नांडिस एंड पोगबा मेरे पास रहेंगे। सो इधर से मैं आपको रिस्क बता देता हूँ जो मैंने लिया। इधर से मैं एडम्स की जगह पर आर्मस्ट्रांग को पिक करना चाहता था, बट देन क्रेडिट इशू इस मैच में काफ़ी आपको रहेगा। अगर आप सभी मेन प्लेयर्स को पिक करते हो देन आई थिंक आपके पास मुश्किल से 7 से 6 क्रेडिट बचेंगे आखिरी प्लेयर के लिए। सो इधर से मैंने सांचो के ऊपर ड्रॉप किया है सिर्फ क्रेडिट इशू की वजह से, अदरवाइज मैं सांचो को भी जो है एक किसी डिफेंडर की जगह पर पिक करना चाहता था, बट फिर वही 0.5 क्रेडिट का इशू बनता है। एंड रोमेओ वाट क्रेडिट में काफ़ी सही पिक एक निकल कर आ जाते हैं, एंड क्रेडिट की दिक्कत है देन डेफिनेटली आप रोमेओ के साथ में जा सकते हो, या फिर एक और जो प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं इधर से सालिसु या फिर पेरोड के साथ में आप जा सकते हो एज अ लाइक 8 क्रेडिट का अगर आपको कोई अच्छा प्लेयर चाहिए तो। बट अभी के लिए मैं रहूँगा रोमेओ के साथ में। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली ब्रूनो फर्नांडिस एंड आई थिंक ग्रीनवुड एंड पोगबा में से कोई भी एक कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए ब्रूनो वाइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन बनता है। रिस्क ले सकते हो तो फिर आप वर्ल्ड प्राउस के साथ में भी जा सकते हो। सो ये रहेगा अभी के लिए टीम। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा देन जरूर से लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट में मेरे को अपनी फीडबैक जरूर बताना। एंड अगर कोई भी क्वेरी है देन आप वो भी मेरे से टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आप जो कोई मैच की वीडियो मिस ना कर पाओ। एंड आई होप आप इस मैच को काफ़ी अच्छा विन करो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।